प्रयागराज में गोलीबारी की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही हैं। अब जिला न्यायालय के अधिवक्ता की गोली मारकर हत्या कर दी गई। करेली थाना क्षेत्र के गौस नगर इलाके में वकील पर जानलेवा हमला किया गया। अभी ये पता नहीं चला है कि हमले की वजह क्या थी। मृतक अधिवक्ता का नाम मोहम्मद इदरीस है, जो अपने ही जनपद के 12 थाना क्षेत्र के रहने वाले थे। वो इस समय जिला न्यायालय में प्रैक्टिस करते थे। शहर के करेली थाना क्षेत्र के गौस नगर मुन्ना मस्जिद के पास वो रहते थे। बहुत सज्जन लड़का था, ब्लॉक डी में बैठता था, इदरीस नाम था। ज्यादा से ज्यादा 28-30 साल की अवस्था रही हो, और अचानक आज जानकारी हुई कि 3:15 बजे 3:30 बजे करीब उसको गोली मार के उसकी हत्या कर दी गई है। जानकारी होने पर हम लोगों ने प्रशासन से संपर्क किया और पोस्टमार्टम के लिए उसकी डेड बॉडी आई हुई है। प्रशासन के लोगों ने उसके परिवार को यथासंभव आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए आश्वस्त किया है। DM साहब और कप्तान साहब भी मौके पर आए हुए थे और हम लोग यहाँ पर उनके परिवार के साथ उसके लिए खड़े हुए हैं। घटना की सूचना पर पुलिस पहुंची और उसने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। घटना स्थल पर तनाव को देखते हुए पुलिस बल गश्त कर रही है। हत्या को करीब 24 घंटे होने को है, पर पुलिस के हाथ अभी भी खाली है। पुलिस किसी पुराने मामले या हाल के किसी झगड़े के बारे में जानकारी जुटा रही है। देखिए, आज प्रातः 3 बजे ये सूचना प्राप्त हुई थी कि गौस नगर में रहने वाले इदरीस नाम के व्यक्ति को किसी अज्ञात व्यक्ति ने गोली मार दी है। सूचना पर तत्काल पुलिस वहाँ पहुँची थी। जानकारी करने पर पता चला था कि ये मूलतः ग्राम सेवड़ा 12 के रहने वाले हैं और यहाँ किराए के मकान पर रह रहे थे, और विगत 1 वर्ष से ये जिला कचहरी पर प्रैक्टिस भी करते हैं। रात में ये अपने ड्राइवर से मिलने के लिए, जो हाईवे गाड़ी का ड्राइवर है, उससे मिलने के लिए 2 चौंक पर गए थे। वहाँ से लौट के आने के बाद घर के दरवाजे पर ही किसी ने इनके सिर पर गोली मारी है, जिससे इनकी मौके पर ही मृत्यु हो गई थी। इस मामले में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है और बहुत जल्दी ही हम सभी पहलुओं पर जांच करके इस केस का खुलासा करेंगे। किस चीज़ का विवाद बताया जाए, अभी तक इनके परिजनों से बात हुई है तो किसी प्रकार की विवाद की बात सामने नहीं आई है, लेकिन विवेचना से इस हत्या का क्या मोटिव है और किन लोगों ने इसको किया और पहले से उन्होंने रेकी करके घात लगा पे किया या अकस्मात कोई कैसे घटना हुई, इस सारी चीज़ों का